राग यमन। राग यमन का प्राचीन नाम कल्याण है, इसलिए यमन को कल्याण भी कहा जाता है। इस राग की उत्पत्ति भी कल्याण थाट से ही हुई है, अतः इस राग को कल्याण थाट का आश्रय राग कहा जाता है। इस राग के आरोह और अवरोह में कुल सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं, अतः इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इसमें तीव्र मध्यम अर्थात तीव्र म के अतिरिक्त शेष सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस राग का वादी स्वर गंधार अर्थात ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। इस राग की प्रकृति गंभीर है, इसमें ख्याल ध्रुपद तराना आदि गाए बजाए जाते हैं। राग के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। अब प्रस्तुत है इस राग का आरोह। और अब इस राग का अवरोह सुनिए। अब प्रस्तुत है इस राग की पकड़। आइए अब सुने राग यमन की स्वर मालिका जो तीन ताल के मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग यमन की स्वर मालिका की स्थाई। निधा पा मा पा गा मा पा 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 मा गा रे निधा पा मा पा गा मा पा पा अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। ग ग प ध प स स नि रे ग रे स नि ध प ग ग प ध प स स नि रे ग रे स नि ध प ग रे स नि ध प नि ध प म ग रे ग रे स ग रे स नि ध प नि ध प म ग रे ग रे स नि रे ग म प ध नि स रे स नि ध प म ग म नि रे ग म प ध नि स रे स नि ध प म ग म नि ध प म प ग म प प प म ग रे नि ध प म प ग म प। अभी आपने राग यमन की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल है सुनो हे भगवन विनती मोरी।
पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। सुनो हे भगवन विनती मोरे, सुनो हे भगवन विनती मोरे, विनती करत हूँ मैं तो से कर जोरी, विनती करत हूँ मैं तो से कर जोरी, दया करो विनती। अब प्रस्तुत है इसी रचना का अंतरा। दरसन दो अभी आपने राग यमन की स्वर मालिका सुनी, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना। राग रस बरसे